नमस्कार दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट के चुनावी नतीजे वह काफी चौंकाने वाले आ रहे हैं। यहां पर राजकुमार रोत है, वो लोकसभा की अपनी पहली जीत दर्ज करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तरह राजकुमार रोत इस बार लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। लगभग 2.5 लाख वोटों के आसपास राजकुमार रोत है वो जीत दर्ज करने जा रहे हैं। इस समय की आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर। इस चैनल ने राजकुमार रोत को पहले ही विजय घोषित कर दिया था। अगर आप राजकुमार रोत को बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से राजकुमार रोत तक बधाई संदेश भेज सकते हैं। बांसवाड़ा लोकसभा सीट से फिलहाल है जो राजकुमार रोत 2,46,584 वोटों की लीड के साथ आगे चल रहे हैं भाजपा के महेंद्रजीत सिंह मालविया से। भारत आदिवासी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन से राजकुमार रोत है वह 2,46,584 वोटों की लीड के साथ आगे चल रहे हैं। राजकुमार रोत को कुल अब तक 8,13,670 वोट मिल चुके हैं और भाजपा के महेंद्रजीत सिंह मालविया को अब तक 5,67,086 वोट मिले हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर मोदी का कोई असर नहीं दिखा और यहां पर महेंद्रजीत सिंह मालविया को मिल रही है करारी हार। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा बुरी तरह हार चुकी है। यहां पर राजकुमार रोत है वे जीत रहे हैं लगभग 2.5 लाख वोटों से। राजकुमार रोत डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर राजकुमार रोत एक अच्छी लीड के साथ आगे चल रहे हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से ताजा अपडेट, अभी तक काउंटिंग चल रही है लेकिन उसमें राजकुमार रोत अच्छी बढ़त मिलती दिख रही है। फिलहाल राजकुमार रोत को अच्छी बढ़त मिल चुकी है। इसमें की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से राजकुमार रोत है वो विजयी हो रहे हैं।